व्हेन यू आर डीलिंग विद द कंटेंट राइटिंग, चाहे वो एकेडमिक राइटिंग हो या ब्लॉग राइटिंग, तो अपने कंटेंट को यूनिक और प्लेजरिज्म फ्री बनाने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक किस्म की मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ता है. व्हेन वी टॉक अबाउट दीज मेथोडोलॉजीज, दीज आर नोन एज री राइटिंग टेक्निक्स और पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग के प्रोसेस में हम किसी और पर्सन की दी हुई इन्फॉर्मेशन को अपने अल्फाज में एक नए तरीके से कन्वे कर रहे होते हैं, और इस कन्वेइंग प्रोसेस में हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि उस बात का ना तो महफूम बदले और ना ही उसमें कोई और चीज़ ऐड हो, ना ही उसमें कोई और चीज़ हम रिमूव कर सकें. वी आर कन्वेइंग समबडी अदर्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक टॉपिक इन आर ओन वर्ड्स, एंड एट द एंड वी आर कोटिंग द रेफरेंस के this specific information is given by that person. To make your paraphrasing process easy, we have divided this process into four main steps, ताकि आप इन steps को one by one follow करें और आपका paraphrasing का process आसान हो सके. इस सिलसिले में पहला step अपने content को बार बार पढ़ना है. So reread the content as much as possible to make your understanding clear. जितना ज़्यादा आप उस specific paragraph या उस specific sentence को पढ़ेंगे जिसको आप रीराइट करने जा रहे हैं, आपकी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतना ज़्यादा आसानी से आप उसको अपने अल्फाज में तब्दील कर सकते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज़ टू हाईलाइट द की पॉइंट्स. जब आप किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं और आपने उसकी बार बार पढ़ने के बाद उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स निकाले, आप उन की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए, बिकॉज दीज आर द सेंट्रल पॉइंट्स और द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पैराग्राफ. अब उस पैराग्राफ को उन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रखते हुए आप अपने अल्फाज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें. At the third step, you have to rewrite that information in your own words. कोशिश करें कि उस इन्फॉर्मेशन को जो आपने उस पैराग्राफ से गैदर की अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें. अब उस खुद से लिखे हुए पैराग्राफ को आप ओरिजिनल पैराग्राफ के साथ टैली करें, और अगर आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन गैप को फाइंड आउट करते हैं या आपको मैचिंग वर्ड्स नज़र आते हैं तो आप उस पैराग्राफ के ऊपर दोबारा से काम कर सकते हैं, ताकि उस पैराग्राफ की अपनी एक यूनिकनेस और आइडेंटिटी हो. एट द फोर्थ स्टेप, यू हैव टू ऐड द रेफरेंस. वो पैराग्राफ आपने जिस स्पेसिफिक राइटर या ऑथर का किसी स्पेसिफिक बुक से, आर्टिकल से या ब्लॉग से लिया है, एट द एंड यू हैव टू कोट द रेफरेंस ऑफ दैट पर्सन, सो दैट आपका प्लेजरिज्म का प्रोसेस जो है वो 100% कंप्लीट हो सके. इन तमाम पॉइंट्स को जानने के बाद भी पैराफ्रेजिंग का प्रोसेस इज स्टिल डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर यू, और इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए वी आर गोइंग टू सॉल्व एन एग्जाम्पल, एंड वी विल कीप इन माइंड सम पॉइंट्स विच आर नेसेसरी व्हेन वी आर डूइंग द पैराफ्रेजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ अ कॉन्टेंट. पैराफ्रेजिंग करते हुए किन किन बातों को जहन में रखना जरूरी होता है वो आप लोगों ने देखा. वो कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने पैराफ्रेजिंग के प्रोसेस को आसान बना सकते हैं. तो वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने उस एक सेंटेंस के अंदर जिस पैराग्राफ को आप रीड आउट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है. ठीक है, आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो वही इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं दे आर कंटेनिंग द मेजर इन्फॉर्मेशन. और मोस्टली जो पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके अंदर मेजर इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको आप सेपरेटली जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि जिस वर्ड से ओरिजिनल सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिनल पैराग्राफ का जो सेंटेंस है स्टार्ट हो रहा है, आपने उस सेंटेंस को किसी और वर्ड से स्टार्ट करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास, आयनिक लिक्विड्स हैव मर्ज्ड एज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू द वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. अब ये आयनिक लिक्विड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, लेकिन जब हम इसका पैराफ्रेज सेंटेंस बनाएंगे तो हम इनको वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कह सकते हैं, एक्टिवाइज को पैसिवाइज और पैसिवाइज को एक्टिवाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम कहेंगे volatile organic solvent considered as a hazardous chemicals can be replaced with a green solvent also known as environment friendly solvents or ionic liquids. ठीक है, तो आपका जो paraphrase sentence है वो आपके original sentence से lengthy भी हो सकता है और short भी हो सकता है. It depends कि आपने अपनी information को किस तरह से summarize किया.
तीसरी बात, आप जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक्टिवाइज को पैसिवाइज और पैसिवाइज सेंटेंस को एक्टिवाइज सेंटेंस में करेंगे तो उससे भी पैराफ्रेजिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी होती है, और आपका जो एक्शन वर्ब्स हैं उनकी आप री उनको आप रीअरेंज कर सकते हो, और जो स्टार्ट में वर्ड्स हैं उनको आप एंड में ला सकते हो, जो एंड के वर्ड्स हैं उनको आप सिनोनिम्स यूज़ करके इन द बिगनिंग जो है वो प्लेस कर सकते हो। देन फोर्थ पॉइंट जो आप लोगों ने जहन में रखना है वो ये है कि यू कांट चेंज द रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप से मुराद यही है कि अगर दो चीज़ें जो हैं उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो आप जो है उन दोनों चीज़ों के डायरेक्ट रिलेशनशिप को इनवर्स रिलेशनशिप नहीं कर सकते। जो रिलेशनशिप डायरेक्ट हैं वो पैराफ्रेजिंग में भी डायरेक्ट ही रहेंगे, और अगर कोई एक इवेंट है, इवेंट ए है फॉर एग्जांपल, वो किसी चीज़ में पहले हुआ और इवेंट बी बाद में हुआ, तो आप इवेंट बी को पहले और इवेंट ए को आखिर में नहीं कर सकते। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पैराफ्रेजिंग इज कि आपने इन्फॉर्मेशन को उसी तरह से कन्वे करना है, देयर विल बी अ नो चेंज इन द इन्फॉर्मेशन। आपके अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, आप अल्फाज को चेंज ज़रूर कीजिए, सेंटेंस मेकिंग जो है उसको ज़रूर चेंज कीजिए, सब्जेक्ट जो है उसको ज़रूर चेंज कीजिए, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन को तब्दील नहीं कर सकते। देन मेक एज मैनी चेंजेस एज पॉसिबल इन द स्ट्रक्चर। जितनी स्ट्रक्चर में आप चेंजेस कर सकते हैं इन तमाम रूल्स को जहन में रख के वो कीजिए, लेकिन आपकी जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन है वो तब्दील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि आयनिक लिक्विड्स आर अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो आपकी पैराफ्रेजिंग में भी यही मैसेज कन्वे होना चाहिए कि जो आयनिक लिक्विड्स हैं दे आर बेटर सॉल्वेंट एज कम्पेयर टू वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है जी। ब्रेक योर सेंटेंस इनटू क्लॉज और वाइस वर्सा, आप अपने जो कंप्लीट सेंटेंस है उसको क्लॉज में, उसको सेक्शंस में भी ब्रेक कर सकते हैं, या आप अपने क्लॉज के दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, डिपेंड्स। राइटिंग की ये बेहतरीन टिप है कि आप अपने सेंटेंस को बहुत ज़्यादा लेंथी ना लेके जाएं, आपका सेंटेंस जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतने ज़्यादा वो अंडरस्टैंडेबल होंगे और उतना ज़्यादा मीनिंगफुल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल को लेके इन तमाम पॉइंट्स को जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एक पैराग्राफ है जिसको मैंने 3 डिफरेंट कलर से जो है वो लिखा है, हर डिफरेंट कलर को एक सेपरेट वे से पैराफ्रेज किया है, एक सेपरेट सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडीड द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आयनिक लिक्विड एज अ कैटालिसिस और द सॉल्वेंट और बोथ हैज ओपन अप प्रोमिसिंग पॉसिबिलिटीज फॉर डिवेलपिंग ग्रीनर कैटालिटिक टेक्नोलॉजीज, ठीक है जी। इसमें उन्होंने यही बात की कि जो आयनिक लिक्विड्स हैं उनका ग्रीनिक कैटालिटिक टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़े पैमाने पर ये इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऑल्दो अ नंबर ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन प्रोसेस इन विच आयनिक लिक्विड्स आर यूज्ड हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द इंडस्ट्री, तो इन दोनों बातों ने आयनिक लिक्विड के कैटालिटिक रिएक्शंस में इस्तेमाल को सपोर्ट किया, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को मैंने समराइज करके एक सेंटेंस बनाया और वो ये था, ग्रीन सॉल्वेंट्स हैव ट्रेमेंडस यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सेफर पाथवेज इन कैटालिसिस एंड हैव बीन यूज्ड ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सॉल्वेंट, जिसमें मेरा वो पूरा मैसेज जो था वो क्लियर हो गया। यहाँ से नई बात स्टार्ट हो रही है, देयर वाज सम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स सच एज unintelligible abrasions or degradation of so-called task-specific ionic liquids occurring in developing reaction processes and on the pilot plant scale, ठीक है जी। इस लाइन में उन्होंने क्या किया, ड्रॉबैक डिस्कस किया है आयनिक लिक्विड्स का इन द कैटालिसिस प्रोसेस, तो उसको मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट सेंटेंस में लिखा है, क्योंकि अगर मैं उसको इसी सेंटेंस के साथ जोड़ती तो मेरा सेंटेंस जो था वो बहुत लेंथी हो जाना था। Despite the tremendous benefits of ionic liquid, some disadvantages are also linked with them in the form of unusual behaviors or breakdown of the ionic liquids during reactions. ठीक है, degradation हो रही है, breakdown हो रहे हैं molecules का, और इसके अलावा हमारे पास unintelligible abrasions इनकी जो है हमें देखने में मिल रही हैं, इनके जो है unexpected behaviors हमें देखने में मिल रहे हैं, तो उसको मैंने इस तरह से इस line में summarize कर दिया। Then so much work should be done before a variety of catalytic process could be effectively established in the industry and several urgent questions regarding the fundamental aspects of ionic liquid need to be clarified or answered.
उन्हें कहा है कि इसके फर्दर इंडस्ट्रियल स्केल पे एप्लीकेशन से पहले ज़रूरी है कि इनकी डिटेल स्टडीज़ जो हैं वो की जाएं, दैट हाउ दे आर रिप्लेसिंग एज अ सॉल्वेंट टू अदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से समराइज किया। सो बिफोर फर्दर ट्रायल्स ऑफ द यूज़ ऑफ आयनिक लिक्विड्स इन कैटालिसिस on industrial scale, all the aspects of the ionic liquid as a catalysis should be explored so that complications may be avoided. ठीक है, तो यहाँ पर आप different तरह के आपको Microsoft software जो हैं वो synonyms recommend करते हैं। आप synonyms का इस्तेमाल कर सकते हैं, activized sentence को passive sentence में जो है वो convert कर सकते हैं, and you can break down your sentence into a clause or you can combine different clause to make a single sentence. ठीक है, your message should be conveyed properly and in the paraphrasing process your selection of word should be different as it was in the original document. ठीक है जी, and at the end you have to quote the reference, the name of the author जिसकी सारी स्टडी जो है आपने रिपोर्ट की है। हर सेंटेंस का भी आपका जो है वो जो रेफरेंस है वो डिफरेंट हो सकता है, तो यू हैव टू पुट ईच रेफरेंस एट द एंड ऑफ दैट स्पेसिफिक सेंटेंस। आई होप सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको पैराफ्रेजिंग से रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिला होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ क्यूरीज पुट इन द कमेंट सेक्शन। आई डू रिप्लाई ऑफ योर कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, ताकि आप लोगों की राइटिंग से रिलेटेड और रिसर्च रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके आपको आंसर मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।